بالله من الشيطان الرجيم. يا الله यहाँ इस घर में नमाज कौन पढ़ रहा है? दुआ, ये यहाँ कैसे पहुंची? रहमान मेर रहीम, नमाज की आवाज कहां से आ रही है? आप तो मुझसे बहुत नफरत करते होंगे ना नील। वैसे मैं हूं इस लायक, लेकिन बाबा को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए मुझे आपकी जिंदगी और इस घर से दूर जाना पड़ा। नींद आ रही है क्या व्यास जी? थक गए होगे ना? बस थोड़ी दूर पर है ऋषिकेश। हे भोलेनाथ, ये आवाज कैसी थी? मैं देख के आता हूं। गैस ऑन किससे छोड़ दिया? हे भोलेनाथ, ये तो जल रहा है, अब क्या करूं? पानी डाल देता हूँ। जलने की भूख कहां से आ रही है? या अल्लाह, ये तो किसी बच्चे के चीखने की आवाज थी।
वही बच्चा जो मुझे शिमला में मिला था, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? बेटा बेटा पीछे हटो, श्लोक बेटा श्लोक। ठीक है ना? हाँ, कहीं जला तो नहीं है ना बेटा? कुछ लगा नहीं ना तुझे? ईश्वर की कृपा है अलकामा, मैं ठीक हूँ। अलकामा, श्लोक अलकू का बेटा है। लेकिन लेकिन ये आग कैसे लगी है? हाँ, कैसे लगी? मैं आया तो पतीले में से धुआं निकल रहा था, धुआं को बुझाने के लिए तेल को पानी समझ के मैंने उस पर डाल लिया। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो तुम जिम्मेदारी लेते? नहीं अलकामा, इनका कोई दोष नहीं है। मैं ही बाबा की तरह बहादुर बनने का प्रयास कर रहा था। बाबा ही कहते रहते हैं ना कि मुझे मजबूत बनना है, फिर मैं हार गया। कौन हो सकते हैं श्लोक के बाबा? क्या कहूं तेरे बाबा से मैं? ना डरा के रखा है मेरे बच्चे को, तो और तू उनकी शाबाशी पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। खबरदार, जो आज के बाद गैस के पास आया तो समझा। नील ने अलकू से शादी कर ली। श्लोक, श्लोक नील और अलकू का बेटा है। नीलकंठ भट्ट दयानी। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, ये दोनों मेरे साथ हैं। दफा हो जाओ। पिछले 6 साल से चाहत रहे मेरे साथ रही है, लेकिन जी तेरी यादों के साथ रही है। और शायद इसीलिए 6 साल पहले घर जो उसने छोड़ दिया था, आज उसी घर की याद उसे वापस देव प्रयाग ले आई। उसका मतलब तो यही हुआ ना कि तू दूर हो या पास, तू मेरी मोहब्बत में हमेशा कांटा बन के रहेगा। हाँ, इससे पहले कि चाहत तेरी मोहब्बत में फिर से कमजोर हो जाए, मैं तुझे और तेरे बाप को चाहत की जिंदगी से दूर और इस दुनिया से अलग कर दूंगा। और कबूल है मुझे, चाहत की मोहब्बत पाने के लिए तुम दोनों के कत्ल का गुनाह कबूल है मुझे।
सारी सच्चाई आंखों के सामने है। नील शादीशुदा है, उनका एक बेटा है और वो अपनी लाइफ में खुश है। फिर मेरे दिल में ये उम्मीद क्यों है कि जब वो मुझे देखेंगे तो शायद मुझे उनकी आंखों में अपने लिए प्यार नजर आएगा। क्यों आज रुको, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो तोप सिंह। नीलकंठ जी और मेरे लिए श्लोक से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। आज के बाद श्लोक पे आज भी आई ना तो मैं तुम्हें उसी दिन इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी, समझे तुम? श्लोक बेटा चलो बाहर। हाय हाय, ये तुझ पे तरस खा के तुझे काम पे रखना ही नहीं चाहिए था। ए, घर में आते इतना बड़ा कांड कर दिया, अब ऐसे टुकर टुकर क्या देख रहे है? ए, ये ले, ए, पकड़ और जाके काम पे लग जा। क्यों बार बार आंखों के सामने वही नजारा आ रहा है? नील और अलकू एक साथ, मुझसे ये सब बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मैं जिस मकसद से यहां पर आई हूं उसे पूरा करूंगी। बाबा की सच्चाई पता लगाऊंगी और इस घर से वापस दूर चले जाऊंगी। मुझे जीने के लिए दुआ का सहारा काफी है। अम्मी कहती है कि अल्लाह मियाँ उन्हीं बच्चों से खुश होते हैं जो बच्चे नमाज पढ़ते हैं। इसीलिए जोर जोर से नमाज पढ़ने जा रही हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे और आप जल्दी से मुझे मेरी अम्मी से मिला दें। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। चाहे तुम देखना, हमारा बच्चा ना चाहे कोई भी हो, मैं उसको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अल्लाहु अकबर, औज बिल्लाह मिनस शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ इस घर में नमाज कौन पढ़ रहा है? अल्लाहु अकबर।
रहमान मेर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये नमाज की आवाज कहां से आ रही है? ये लड़की, ये बाहर निकल, ये पंडितों के घर में क्या अनर्थ कर रही है? इसको तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे थे आप? हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे हाथ लगाने की? बता कौन है तू? बोल। तोप सिंह, क्या लड़ाई झगड़ा कर रहा है तू? आलेक जी, ये नया बावर्ची रखा है हमने। अच्छा, नौकर होकर मालिक का हाथ पकड़ता है? इस लड़की से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तेरी खबर लेता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? वहां वो लड़की प्रार्थना कर रही है और आप यहां मारपीट कर रहे हैं। कौन से भगवान की प्रार्थना कर रही है? वो देख, ये पंडितों का घर है और इस घर में मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं है। जगह तो आपकी भी नहीं है इस घर में, लेकिन आप यहां इसीलिए हैं क्योंकि आप कृपा के बाबा हैं। इस घर में कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता, इसका फैसला आप ना ही करें तो बेहतर होगा। ये लड़की श्लोक की दोस्त है और अपने धर्म का पालन करने से उसे हम में से कोई नहीं रोक सकता। आप सब लोगों की ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। ये पाप मैं इस घर में होने नहीं दूंगा। बच्ची की तरफ एक भी कदम मत बढ़ाना आप। कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी? हट पीछे। आलेक जी, इस घर में रहना और इस परिवार का हिस्सा होने में अंतर है, ये फर्क कभी मत भूलना आप। ओ अंकल! पराए धर्म के काम तू इस घर में नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम्हारे धर्म की लड़की ने पहले इस घर को नष्ट कर चुकी है। आलेक जी, बच्ची है वो। एक मिनट आंटी।
मेरे मजहब की किस लड़की ने इस घर को नाश्ता नाश्ता नहीं नष्ट नष्ट किया? क्या नाम है उसका बताइए मुझे। नाम सुनना चाहती है तू? या अल्लाह, कहीं आलेख जी ने मेरा नाम ले लिया तो दुआ पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठेगी।